अक्षय तृतीया के अवसर पर शहर विधायक महापौर ने माटी पूजन कर मनाया माटी तिहार दिवस। साथ ही माटी का संरक्षण करने और धरा को उर्वरा बनाने जैविक एवं वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करने की करी अपील। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप 3 मई को राज्य स्तरीय अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम के निर्देशित किया गया। इसी क्रम में मंगलवार को दुर्ग नगर पालिक निगम सीमा अंतर्गत पुलगांव स्थित गोकुल नगर गौठान में अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौठान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा ने परंपरागत विधि विधान से पूजा अर्चना कर माटी पूजन कर अभियान की शुरुआत की। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर खेती को समृद्ध बनाने छत्तीसगढ़ सरकार माटी पूजन माटी तिहार के अवसर पर विधायक अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री के संदेश के साथ विधायक ने भूया माता की रक्षा की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर विधायक एवं महापौर ने अक्षय तृतीया अक्ति तिहार की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जम्मो संगवारी मन ला जोहार, जगमो ज्ञान ता अक्ति तिहार के बधाई। आज अक्षय तृतीया जिससे हम लोग अक्ति तिहार के रूप में मनाते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण ना हो। आज के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस भी काम की आज शुरुआत होती है उसकी पूर्णता निश्चित मानी जाती है। शादी ब्याह के लिए भी आज के दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। अक्ति का यह दिन हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी कृषि परंपरा में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन से नई फसल के लिए तैयारी शुरू की जाती है। मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों की शादी की परंपरा के माध्यम से हमारे पुरखों ने इस त्यौहार को हमारी धरती से भी जोड़ा है। उनका संदेश यही था कि हमारे जीवन का मूल यही माटी है, इसे हमेशा जीवंत मानते हुए उसका आदर सम्मान करना चाहिए। पिछले कुछ दशकों में हमने अपने खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। इससे हमारी धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। इसलिए पुरखों के बताए रास्ते पर चलते हुए आज अक्ति के शुभ दिन से हम छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। त्यौहार की बधाई। आज अक्षय तृतीया है जिसे हम लोग अक्ति त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण ना हो। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण ना हो। आज के दिन को बहुत पिछड़ा जाता ना हो। काम की आज शुरुआत होती हो, शुरुआत हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी कृषि परंपरा में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन से ही नई फसल के तैयारी शुरू आज की है। नई फसल के तैयारी शुरू आज की है। नई त्यौहार को हमारे में इसे भी है का संदेश जीवन मूल यह से हमेशा जीवन मानते हुए उसका सम करना चाहिए। पिछले दशकों में समस्कों का ज्यादा उपयोग किया। इससे हम धरती ही उसी उर्वरा से हम गई। हमारे आज विषय हम चाह रहे हैं, हमारे नुकसान हो रहा है, हमारे पशुओं खास पर भी बुरा असर हो रहा है। हम इस समय जिन तौर तरीकों से खेती कर रहे हैं वह प्रकृति की पूजा और सेवा की परंपरा हमारी परंपरा का रूप नहीं है। यह समय अपनी स्वस्थ माटी और अपनी धरती को यदि हमने अभी नहीं बचाया तो फिर बाद में बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए पुरखों के बताए रास्ते पर चलते हुए आज अक्ति के शुभ दिन से हम छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस महाअभियान में हम रासायनिक खादों और कीटनाशकों की जगह जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और गौमूत्र के उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।